कि आपके भी अंडर आर्म्स डार्क हो चुकी है, उसमें से बदबू आती है, आप अपने अंडर आर्म्स के हेयर को रिमूव करना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली गेट फेस। एंड आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ इजी एंड पीजी सा फुल अंडर आर्म स्किन केयर रूटीन। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आपके अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक रेजर, एलोवेरा जेल, जिससे आपको अपने हेयर को सेविंग करनी है। आप इसे हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप अपने हेयर ग्रोथ के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हो। अगर आप हेयर सेविंग करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप वैक्सिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपको लेना है एक लेमन। तो मोस्ट ऑफ लोग मॉर्निंग टाइम में ल्यूक वार्म वाटर में नींबू का रस निचोड़ कर पीते हैं, जिससे उनकी बॉडी डिटॉक्स होती है, साथ ही स्किन लाइटनिंग होती है, वेट लूज होता है, एंड उसके बाद वो नींबू के छिलकों को फेंक देते हैं। तो आपको पानी पी लेना है, छिलके को नहीं फेंकना है। उसे लेकर आपको अपने अंडर आर्म्स में रब करना है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो आपके अंडर आर्म में बैक्टीरिया होती है उसे किल करता है, जिसकी वजह से बदबू नहीं आती है। साथ ही उसमें विटामिन सी होता है, जो आपके स्किन को लाइटन करता है। एंड यह प्रोसेस आपको आफ्टर सेविंग के जस्ट बाद नहीं करना है। इसे 3 से 5 मिनट के लिए लगे रहने दीजिए एंड फिर वॉश कर लीजिए। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा, राइस फ्लावर, 1 चम्मच दही, थोड़ा सा एलोवेरा जेल, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। एंड इसे आपको लेकर अपने अंडर आर्म्स पर अप्लाई करना है। 5 मिनट के लिए इसे लगे रहने दीजिए। इसे नहाने से पहले हफ्ते में 2 बार साबुन की जगह इस स्क्रब को अपने पूरे बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके बॉडी के स्किन से डेड सेल्स को दूर करेगा। साथ ही इसमें दही है, जो कालापन, जो टैनिंग होती है उसे रिमूव करता है। चावल का आटा है, उसमें एक लाइटनिंग ब्राइटनिंग है, वो इफेक्ट देता है। एंड आफ्टर 5 मिनट इसे हल्के हाथों से 2 मिनट के लिए स्क्रब कीजिए एंड फिर इसे वॉश कर लीजिए। वॉश करते ही आपको अपने अंडर आर्म्स में एक इफेक्ट नजर आएगा, आपके अंडर आर्म्स के जो कालापन होगा 1 से 2 इस्तेमाल में ही काफी हद तक दूर हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक माइल्ड बॉडी लोशन लेकर अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट कोई भी ड्राई फेस पाउडर लेकर आपको अपने अंडर आर्म्स में लगाना है, खासकर समर टाइम में, क्योंकि समर में हमारी जो स्किन है वो स्वेट करती है, तो पसीने की वजह से हमारे अंडर आर्म्स डार्क हो जाते हैं, उसमें से बदबू आती है। बट यह जो ड्राई पाउडर है, यह स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे आपके अंडर आर्म डार्क नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट मोस्ट ऑफ लोग डियो अप्लाई करते हैं, तो आप डियो की जगह रोल ऑन वाला परफ्यूम या फिर बॉडी मिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।